नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। चलिए बढ़ते हैं देर न करते हुए आज के हेडलाइंस की तरफ। पूरे देश के साथ उत्तर बंगाल में भी 71वां गणतंत्र दिवस का किया गया पालन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व वामफ्रंट की ओर से आज संविधान बचाओ दिवस का किया गया पालन। मस्जिद की चाबी पर कब्जा करने को लेकर दो गुटों में संघर्ष, 8 घायल। और दार्जिलिंग में 2 दिवसीय उत्तर बंग उत्सव की हुई शुरुआत। अब बढ़ते हैं हम प्रमुख खबर की तरफ विस्तार से। आज देश की 71वीं गणतंत्र दिवस के साथ साथ उत्तर बंगाल में भव्यता के साथ इसका पालन किया गया। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया और सलामी भी दी गई। उत्तर बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्रों की सुरक्षा बलों, विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों व एनसीसी कैडेट्स के द्वारा मार्च पास्ट का भी आयोजन किया गया। 26 जनवरी 1950 को देश ने अपना संविधान अपनाया था। 385 अनुच्छेद और 60 अनुसूचियों में ये सिखाया और निर्देशित किया था कि अगर किसी को भारत में रहना है तो कैसे रहना है, किन नियमों और शर्तों का पालन करना है, उन्हें क्या अधिकार दिए गए हैं और क्या कर्तव्य सुझाए गए हैं। आज देश का 71वां गणतंत्र दिवस देश के साथ साथ पूरे उत्तर बंगाल में भव्यता के साथ पालन किया गया। सिलीगुड़ी में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के तत्वाधान में आज 71वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। आज सुबह 9 बजे पुलिस कमिश्नर त्रिपुरारी अथर्व ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उनके साथ पुलिस कमिश्नरेट के अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। इसी क्रम में मालदा जिला क्रीड़ा संस्था के मैदान में भी आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिला अधिकारी राज श्री मित्रा, पुलिस अधीक्षक आलोक रजोरिया समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी व गण्यमान्य व्यक्ति गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाजपा की ओर से सिलीगुड़ी भारत माता पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने इस पर जिला कार्यालय के सामने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर एवं भारत माता की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भाजपा के अन्य नेता व काफी संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक उपस्थित थे। इस बीच जलपाईगुड़ी जिले में भी 71वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर रविवार को जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह जलपाईगुड़ी के विश्व बंगला क्रीड़ांगन में जिलाधिकारी अभिषेक तिवारी ने राष्ट्र ध्वज फहराया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक मोदी समेत पुलिस व जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे थे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद विश्व बंगला क्रीड़ांगन में मार्च पास्ट का भी आयोजन किया गया था। इस बीच उत्तर दिनाजपुर जिले में भी 71वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिला प्रशासन के तत्वाधान में रायगंज स्टेडियम में जिला पुलिस व जिला प्रशासन की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज सुबह करीब 9 बजे उत्तर दिनाजपुर जिले के शासक अरविंद कुमार मीना ने राष्ट्र ध्वज फहराकर उन्हें सलामी दी। इस अवसर पर रायगंज जिला पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार भी उपस्थित रहे थे। इस बीच अलीपुर द्वार जिले में भी 71वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला प्रशासन के तत्वाधान में अलीपुर द्वार शहर के परेड ग्राउंड में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह करीब 9 बजे अलीपुर द्वार के जिला शासक सुरेंद्र कुमार मीना ने राष्ट्रीय झंडा फहराकर उन्हें सलामी दी। उनके साथ जिला पुलिस अधीक्षक अमिताभ माइती भी उपस्थित रहे थे। इसके बाद मार्च पास्ट में निकाला गया। सुरक्षा वाहिनी व जिला आर्म फोर्स के जवानों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी। आपको दिखाते हैं पूरे उत्तर बंगाल की गणतंत्र दिवस की कुछ झलकियां। बोला नहीं तो आगे प्रजातंत्र दिवस है। आज के हमारे शपथ नेवार दिन जो भारतीय संविधान के रक्षा करते हैं। भारतवर्षे संविधान जे मूल प्रियम्बले जे मूल विषयटी बला आछे धर्मनिरपेक्ष गणतान्त्रिक समाजतान्त्रिक राष्ट्र, সেখানে আঘাত আনার যে
ভয়ঙ্কর প্রচেষ্টা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে। সমস্ত নাগরিকদের মিলে 120 কোটির দেশ ভারতবর্ষ, আমরা সবাই সমান। এই সমানাধিকারের যে নীতি, সেই নীতি নিয়ে ভারতীয় গণতন্ত্র, আমাদের সাংবিধানিক যে রীতি, সেটাকে আরও বেশি করে শক্তিশালী। আজ পুরে দেশ কে সাথ সাথ সিকিমে ভি ভব্যতা কে সাথ 71বা গণতন্ত্র দিবস পালন কিয়া গিয়া। সিকিম রাজ্য কে রাজ্যপাল গঙ্গা প্রসাদ की मुख्य आतिथ्य में संपन्न कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री पीएस गोले व अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। राज्यपाल के द्वारा झंडा तोलन व सलामी के बाद भारतीय सेना आईटीबीपी, एसएसबी, सिक्किम आर्म पुलिस, सिक्किम पुलिस महिला व पुरुष, सिक्किम होमगार्ड, सिविल डिफेंस, एनसीसी, सिक्किम पुलिस पाइप एंड ब्रास बैंड के द्वारा मार्च पास्ट भी किया गया। कार्यक्रम को राज्यपाल गंगा प्रसाद ने संबोधित किया एवं कलाकारों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। रविवार को 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व वामफ्रंट की ओर से सिलीगुड़ी के हाशमी चौक पर संविधान बचाओ दिवस का पालन धरना देकर किया गया, जिसमें सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर व विधायक अशोक नारायण भट्टाचार्य, कांग्रेस के माटीगरा नक्सलबारी के विधायक शंकर मालाकार, वामफ्रंट नेता जीवेश सरकार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान सबसे पहले संविधान को पढ़कर संविधान को बचाने हेतु संकल्प लिए विधायक शंकर मालाकार व वामफ्रंट नेता जीवेश सरकार ने। इसके बाद सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस पर सभी पत्रकारों को दी। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট সংবিধান বাঁচাও দিবস হিসেবে আজকের এই দিনটিকে আমরা পালন করছি যৌথভাবে। 26শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস, আজকের দিনে দেশের মানুষকে সংবিধান এবং প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, কিন্তু বর্তমান সরকার আমাদের এই পবিত্র সংবিধানকে ভেঙে খান খান করে আরএসএসের সংবিধানকে লাগু করতে চাইছে। গোটা দেশের সংবিধান আজকে বিপন্ন, গোটা দেশের আজকে ধর্মনিরপেক্ষতা বিপন্ন, গোটা দেশের সার্বভৌমত্ব আজকে বিপন্ন। তাই আমরা বামফ্রন্ট এবং জাতীয় কংগ্রেস এই সংবিধানকে রক্ষা করতে সংবিধান বাঁচাও দিবস হিসেবে আমরা পালন করছি। তাই আমরা মনে করি ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি পারবে ভারতবর্ষের এই সংবিধানকে রক্ষা করতে। তাই আমরা আজকে ধর্ণায় বসেছি। এই ধর্ণা মঞ্চে কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট উপস্থিত আছেন এবং আমরা কিছুক্ষণ আগেই আমরা শপথ গ্রহণ করেছি আমাদের এই পবিত্র সংবিধানকে আমরা যে কোনো মূল্যে রক্ষা করব। আজকে আমরা রাস্তায় নেমেছি, সংবিধান বাঁচাও লড়াই আমরা চালিয়ে যাব। আমরা যে আজকে এখানে অবস্থান করছি, সারা দেশব্যাপী হচ্ছে, সারা দেশব্যাপী বামপন্থী শক্তি, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি, কংগ্রেস, অন্যান্য রাজনৈতিক দল যারা দেশকে ভালোবাসে, দেশপ্রেমিক, তারা সবাই আজকের এই ধরনের কর্মসূচি জেলায় জেলায় তারা সামিল। এই যে আন্দোলন চলছে সারা দেশব্যাপী, এই আন্দোলনটাকে কেউ কেউ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভাগ করতে চায়, বিষয়টা তা না। এই আন্দোলনটা হচ্ছে সংবিধান বাঁচাবার আন্দোলন, এই আন্দোলন হচ্ছে ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে বাঁচাবার। আজকে আমাদের দেশের প্রজাতন্ত্রের দিবস 1950 সালে 26শে জানুয়ারি আমাদের ভারতবর্ষ প্রজাতান্ত্রিক ভারত হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তার আজকে 70 বছর পূর্তি হল। আর 1949 সালে 26শে নভেম্বর আমাদের দেশের সংবিধানটা গৃহীত হয়েছে, অ্যাডপ্টেড হয়েছে। সংবিধানের মধ্যে যা লেখা আছে এটা দেশের কেন্দ্রীয় সরকার মানছে না, সংবিধানকে অমান্য করেই তারা একের পর এক আইন তৈরি করেছে। আবার রাজ্যের সরকার তৃণমূল কংগ্রেসের, তারাও কিন্তু সংবিধানকে মানছে না, সংবিধানকে অবজ্ঞা করেই তারা একের পর এক আইন তৈরি করছেন। সংবিধানের মূল কথাটা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা। বামফ্রন্ট এবং জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সংবিধান বাঁচাও দিবস পালন করছি। আমাদের দেশের সংবিধান আমাদের দেশের মানুষকে দিয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো, মানুষের লড়াই করার অধিকার, সবচাইতে বড় কথা
নাগরিক হিসেবে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছে এই সংবিধান। আজকে কেন্দ্রের যে বর্তমান সরকার বিজেপি, এটা তো আরএসএস পরিচালিত সরকার, এদের যে কার্যক্রম তা হচ্ছে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোকে ভেঙে দাও। ভারতবর্ষটাকে একটা যদি বলা হয় একটা অন্য ধরনের পাকিস্তান, অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদী পাকিস্তানে পরিণত করো, একটা তালিবানি রাষ্ট্রে পরিণত করো, এই যে লক্ষ্য, এই লক্ষ্য নিয়ে তারা এগোচ্ছে। এবং সেই কারণে আজকে এই যে নতুন নতুন বিল আনা হচ্ছে, এই যে সিএএ আইন করা হলো, এনআরসি করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে, এনপিআরের নাম করে মানুষকে বিভাজিত করার নানান ধরনের প্যাচ পয়জারা কষা হচ্ছে, আমরা মনে করছি এটা সংবিধানের উপরে মারাত্মক আঘাত। এবং এই লড়াই আমাদের করতে হবে, জাতীয় কংগ্রেসকে, বামপন্থীদেরকে, পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে যারা এখানে সরকার চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস, তারা কিন্তু কার্যত এই লড়াই করছে না। তাদের লড়াই হচ্ছে ভোটের লড়াই, তারাও বিভাজনের রাজনীতি করছে, আর আমরা ঐক্যের পক্ষে, বিভাজনের বিরুদ্ধে। আজকে যে ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো নিয়ে আমাদের ভারতবর্ষ এগোচ্ছে। মসজিদ কি চাবি পর কবজা করনে কো লেকর দু গুটো মে সংঘর্ষ মে দোনো পক্ষো কে কুল 8 ব্যক্তি ঘায়েল হো গয়ে হ্যায়। উত্তর দিনাজপুর জেলে কে চোপড়া থানা এলাকে মে ইস ঘটনা কে বাদ এলাকে মে ভারি তনাব দেখা যা রাহা হ্যায়। স্থানীয় লোগো নে ঘায়েলো কো পহলে দালুয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্র লে গয়ে, জহাঁ এক কি হালত গম্ভীর হোনে পর উসে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল লে যাওয়া গয়া। আমার হচ্ছে একটা মসজিদে চাবি নিয়ে ঘটনা হয়েছিল, তো যখন চাবি নিয়ে ঘোরানো হয়েছিল তখন কিন্তু ছুটাছুটি হয়ে গেল, একটু কথাবার্তা হলে ছুটা হয়ে গেলো। তারপরে আমরা দোকান করি, তো দোকানে বসে আছি, ওরা সবাই মিলে আসে, দুই ভাই দুইটা বন্দুক নিয়ে আসে, ছুরি নিয়ে আসে, আমাদের সিটা সিটি কপা কপি শুরু করছে। ওরা আবার আবু সামাদ, তারপর মজেরুল, তারপর আবুল, তারপর আয়ু, অনেক ওরা ভাই আছে, আরো অনেক আছে। তো ভাই দেশ কি 71ভি গণমান দিবস দার্জিলিং বা পুরে পাহাড় ক্ষেত্র মে ভব্যতা কে সাথ পালন কি গই। ইসি বিচ দার্জিলিং জেলা প্রশাসন কে দ্বারা দার্জিলিং চৌরাস্তা পরিসর মে গণতন্ত্র দিবস কা পালন কিয়া গয়া। কার্যক্রম মে জেলা প্রশাসক ডিএম দীপা প্রিয়াপী কে হাতো সে রাষ্ট্রীয় ঝন্ডা উত্তোলন কে সাথ রাষ্ট্রীয় ধ্বজ কো সলামি দেকর কি গই। কার্যক্রম মে দার্জিলিং জেলা পুলিশ অধ্যক্ষ ও বিভাগীয় অধিকারী কি উপস্থিতি রহি। রঙ্গারঙ্গ কার্যক্রম কে বীচ সম্পন্ন গণতন্ত্র দিবস সমারোহ মে জেলা পুলিশ, এনসিসি, ভারতীয় সৈনিক, সিভিক পুলিশ কে দ্বারা পরেড ও ব্যান্ড প্রস্তুত কিয়া গয়া। সমারোহ কো দার্জিলিং কে জেলা প্রশাসক ডক্টর দীপা প্রিয়াপী নে সম্বোধিত কিয়া। पंद्रह अगस्त 1947 में पाए तापनी झंडे आडा वर्ष पछी मात्र हमरो देश भारत वर्ष के गणतंत्र को चरित्र वास्तव रूपमा पायो। सन 1950 मा भारतीय संविधान ग्रहण करे हमिले अफैलाई समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक तथा गणतांत्रिक जनगण को रूपमा मान्यता पायो। ऐसे दिन भारतीय संविधान हमें भारतीय हर को निम्ति पवित्र ग्रंथ बन्यो एवं हमरा संस्थापक पिता हरुलाय भारतीय राज्य को रूपरेखा लाय अंकित करे। देश को धन के व्यक्ति हरु को मात्र हाथमा नहोस बने उद्देश्य रखे, सबैले बराबर को दर्जा परवोष बने लक्ष्य राखे, धर्म निरपक्के जनता द्वारा सरकार को निर्वाचन प्रतातांत्रिक रूपमा अनि राज्य को मुख्य गणतांत्रिक रूपमा निर्वाचित गरिने निर्णय संविधानमा गरिएका छन्। भारतवर्ष जीवित अनि उन्नत भएको कारण नै भारतीय संविधानको शक्ति हो। यही महान गणतन्त्रले नै हामी भारतीयहरूलाई विविध क्षेत्रमा विविध जातीयता भए पनि एकबन्ध हुन मद्दत गरेका छौँ। गणतन्त्र दिवस मनाउनेको गास अर्थ हाम्रो भारतीय संविधानको मूल्यलाई श्रद्धासाथ सुरक्षित राखेको दिन मनेका हो। यसले संविधानमा भएका आदर्शहरूलाई सुरक्षा अनि सम्वर्धना गर्नुको साथसाथै आउने पिँढीलाई दिनुपर्ने कुरो स्मरण गराउँछ। राज्य सरकारले हाम्रो दार्जिलिङवासीहरूको निम्ति धेरै सुविधाहरू प्रदान गरेका छन्, जसले गर्दा गरिबी टेकामुनिहरूले सम्मानसा जीवन जीवन सकिरहेका छन्। Sunshine High School, an English medium co-education school, affiliated to ICSE Board. Admission for session 2020 pre-nursery to class 9.
quality educational, separate hostels for boys and girls, confidence building, leadership programs, games indoor and outdoor, co-curricular activities, pollution free. For admission and prospectus, contact Sunshine School 7797965318 9743155003. क्या आपके घर में शादी है? कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स। सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। के तपाई एक नागरिक संवाददाता बन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, एसके लाइफ 24 घंटा न्यूज च्यानल द्वारा यहाँहरू समक्ष एउटा सुनौलो मौका प्रदान गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा घटेका घटनाहरूको भिडियो आफ्नो मोबाइल द्वारा कैद गरी घटनाको पुख्त विवरणको साथमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूमध्ये कुनै एकजना उत्कृष्ट समाचार तथा भिडियोको चयन गरी हामी यहाँहरूलाई सिलगढी कार्यालयमा निम्ताई नागरिक सम्बद्धताको आइडी कार्ड सम्बर्धना अनि अन्तर्वार्ता लिने जमर्को गरेका छौँ। यसैले यस सुनौलो मौकालाई यहाँले नगुमाउनुहोस्। चाँडै नै यस्ता विविध समाचारहरू हामी समक्ष पठाउनुहोस्। एसके लाइभ व्हाट्सएप नम्बर 7432944774। उत्तरबङ्ग उत्सवका एक आकर्षण सिलगढी म्याराथन है एवं हर साल उत्तरबङ्ग उत्सवके तहत उत्तरबङ्ग उत्सव कमिटीके द्वारा अग्रणी सङ्घकी मेजबानीमे म्याराथनका आयोजन किया जाता है। रविवार सुबह राज्यके पर्यटन मन्त्री गौतम देवले सिलगढीके हास्मी चौकसे उक्त म्याराथनको फ्ल्याग अफ किया। हाफ म्याराथन 21 किलोमीटर और मिनी म्याराथन 8 किलोमीटर मिलाकर सैकड़ों प्रतियोगियों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया। हाफ मैराथन में प्रथम पुरस्कार ₹1,00,000 रखा गया है। आज के प्रोग्राम मैराथन छिलो सिलीगुड़ी मैराथन एटा उत्तर बंग उत्सव प्रत्येक आशा कर मोटामुटी से ही तुलन प्रचुर पार्टिसिपेटर छिलो भेजेम 26 জানুয়ারির জন্য হয়তো করা হবে কিন্তু না, তবে 4,500 মতন আমাদের মোটামুটি আজকে 4,500-5,000 মতন পার্টিসিপেটর ছিল। সব থেকে বেশি ছিল যেটা নাকি আমাদের 21 কিলোমিটার যেটা, হ্যাঁ সেটা পার্টিসিপেটর অনেক বেশি ছিল। এবার আপনারা দেখেছেন এখানে অনেক বেশি ছিল পার্টিসিপেটর 21 কিলোমিটার। আমাদের 4টে পাঠা এখান থেকে 21 কিলোমিটার, 2টা 8 কিলোমিটার, একটা হচ্ছে মেন, একটা রোমান্ডার, আর একটা হবে ড্রিম রান, আর একটা হবে হচ্ছে ইয়ে কন্টেস্ট, স্লোগান কন্টেস্ট। এই পাঁচটা আমাদের হয়ে থাকে এখানে, সব খুব সুন্দরভাবেই হলো। অনেক লোকজনই ছিল, আপনারা দেখেছেন আমাদের মাননীয় পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব উনি এখানে এসেছিলেন। উনি আবার 11টার সময় প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনে যাবেন। আমাদের টোটাল প্রাইজ আছে 3,01,000 টাকা, তার মধ্যে আমাদের অনেক দূর দূর থেকে আসছে। এটাই আমরা সব থেকে সিলিগুড়ির মানুষরা গর্ব করবো এটাই যে আমাদের এই উৎসবে মোটামুটি ওইদিকে আমাদের আসাম থেকে আরম্ভ করে, ভোপাল থেকে আরম্ভ করে, হায়দ্রাবাদ থেকে আরম্ভ করে, চণ্ডীগড় থেকে আরম্ভ করে, তারপরে মহারাষ্ট্র থেকে আরম্ভ করে অনেক দূর দূর থেকে আসছে পার্টিসিপেটররা, তারা এখানে পার্টিসিপেট করেছেন। খুব ভালো লাগলো এটা। আগামী দিনে চিন্তা করবো যাতে আগামী দিনে আরও বড় হতে পারে, আরও দূর দূরান্ত থেকে লোক আসতে পারে। তার জন্য শিলিগুড়িবাসী সকলের কাছে আমাদের সব থেকে বিশেষ করে আপনাদের মতন যারা রিপোর্টার ভাই আছেন, প্রেস ভাই আছেন এবং প্রশাসন, এটা 9th এডিশন। উত্তরবঙ্গ উৎসব শুরু হওয়ার পর থেকে পরপর আমরা এটা করছি। অগ্রণী সংঘ এনজিপি তাদের সাপোর্ট নিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ এই ম্যারাথন আয়োজন করেছে। এটা হাফ ম্যারাথন হলো, 8 কিলোমিটার উইমেন ফান রান এবং আরেকটা 8 কিলোমিটার সবাই দৌড়াচ্ছে। এখানে পোস্টার প্রতিযোগিতা আছে, প্রায় 4,000-এর বেশি প্রতিযোগী প্রতিযোগিনী অংশগ্রহণ করলো। ম্যারাথনটা শুরু হয়েছে, 11টার সময় পুরস্কার বিতরণী হবে।
অনেকগুলো বাইশ এরকম প্রত্যেকবার থাকে, এবারও সেটা থাকবে। উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল, আপনারা দেখলেন যে নির্দিষ্ট সময়ে সুষ্ঠুভাবে ম্যারাথনটা শুরু হয়েছে এবং ম্যারাথনটা চলছে। दार्जिलिंग के चौरास्ता में दो दिवसीय उत्तरबंग उत्सव की शुरुआत दार्जिलिंग जिले की डीएम दीपा प्रिया पी ने की। इस दौरान डीएम ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। ऑल द एट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ बेंगल, यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम का प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। सिलीगुड़ी में 20 तारीख एक प्रोग्राम इनाग्रेशन हुआ, सीएमआर ने किया, एंड दार्जिलिंग हमने चौराष्ट्र में आज शुरू करें। इट विल बी रनिंग टिल 4 PM। यहाँ पे विभिन्न बोर्ड्स का ऑल कल्चरल इवेंट्स, डांस, सॉन्ग्स सब कुछ चलेगा। कल भी है प्रोग्राम, अगेन मिरिक सब्डिविजन में हम यही प्रोग्राम कर रहे हैं 30 तारीख। Similarly, this program is happening all districts. Program का मूल कारण है just to bring out the culture. Darjeeling district का इतना विभिन्न cultural activities है, ये सबको समझने के लिए आज ये program शुरू करें। So I wish everybody, सब आपको ये program को देखने के लिए, I again welcome you all and wish you all a happy Diwali. देश के 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सशस्त्र सीमा बल सिलीगुड़ी फ्रंटियर की ओर से तिस्ता राइडांगा SSB स्टेडियम में भव्यता के साथ गणतंत्र दिवस का पालन किया गया। इस अवसर पर SSB के जवानों व आम लोगों की उपस्थिति रही। सशस्त्र सीमा बल सिलीगुड़ी फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल श्री कुमार बंदोपाध्याय ने आज देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। इस कार्यक्रम में सशस्त्र सीमा बल सिलीगुड़ी फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल श्री कुमार बंदोपाध्याय के हाथों से राष्ट्रीय झंडोत्तोलन के साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। आज देश के 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोगों को खेलों पर जागरूक करने हेतु सुकना गेम्स एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से आज एक बाइक रैली निकाली गई। यह रैली सिलीगुड़ी के वेनस मोड़ से शुरू हुई और SR के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा कर सुकना पहुंचकर समाप्त हुई। आज उक्त बाइक रैली की जानकारी सुकना स्पोर्ट्स एसोसिएशन के महासचिव सुरेंद्र प्रधान ने दी है। We have a super biker of group of 16 boys which are missing today. The whole motto is we wear gears, we have good bikes, but just to spread the message ki we are not like, you know, we are not racers. Ek super biking ka ek, you know, there's a different way of biking, and we are not here to be. We make sure that we show people that what is safety, road safety, the rules and guidelines. At the same time, we support you know, the 15 Sukhna Gold Cup, so that's the reason why we're here, to support Mr. Suren and his team. Bike ka rally sab enjoy kare, nahi is tarah ka bike rally first time ho raha hai yahan, aur Sukhna Gold Cup ka har aadmi enjoy kare. Abhi ek tarikh se phir iske live jo hai complete match iske live ke zariye hum log isko live telecast kar rahe hain, wo bhi enjoy kar sakte hain. Sham ko radio mystery bhi iska update dete hain. 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन कर किया गया। इस तिरंगा यात्रा में काफी संख्या में AVVP सदस्यों ने हिस्सा लिया। यह तिरंगा यात्रा फालाकाटा मिल रोड से शुरू होकर शहर के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करते हुए फालाकाटा स्टेशन संलग्न इलाके पहुंचकर समाप्त हुई। यह यात्रा 120 मीटर तिरंगा के साथ शहर की परिक्रमा की। पुलिस ने अलीपुरद्वार जिले के हाँसीवा थाने के कूचबिहार जाने वाली चिलापाता जंगल से एक अज्ञात वृद्ध महिला का शव बरामद किया है। घटना के प्रकाश में आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने बताया कि शनिवार देर रात जंगल से सटे राज्य सड़क के पास से वृद्ध महिला का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज देश के 71वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर सिलीगुड़ी के हार्डवेयर मर्चेंट्स एसोसिएशन तराई ब्लड बैंक की संयुक्त तत्वाधान में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप व निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया गया। आज के शिविर में आम लोगों ने हिस्सा लिया एवं रक्तदान भी किया। शिविर की जानकारी हार्डवेयर मर्चेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों ने दी है। सी, ये एक मेगा हेल्थ चेकअप कैंप है जहाँ पर कोई भी आ सकता है। इट्स अ फ्री कैंप, आइए अपना हेल्थ चेकअप कराइए, अपना ब्लड शुगर, एक ब्लड शुगर तो चेकअप हो जाता है, पता लग जाता है अगर आप प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक हो। फिर ये भी पता लग जाता है अगर आपका प्रेशर हाई साइड में है क्या नहीं, तो एक बेसिक चेकअप तो हो कि अगर आपको ये दोनों बीमारियाँ भी है, दीज आर लाइक मेजर बीमारी, अगर इससे ही पता लग जाए तो आगे जाके फिर फिजिशियंस है, आपको और भी कोई प्रॉब्लम है, दरअसल सर्जन्स भी है, हड्डियों की कोई प्रॉब्लम है तो दरअसल ऑर्थोपेडिशियंस, बहुत सारे हम सब एक तो टीम एफर्ट फ्रॉम महाराजा अग्रसेन, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि
हम फाइंड आउट कर पाए कि आप भी फाइंड आउट कर पाए कि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है क्या नहीं, तो बेसिकली हम वही कर रहे हैं। बाकी हम ब्लड डोनेट कैंप किए हैं कि पता कर, यू नो आप डोनेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, यू हैव टू ओनली गिव 300 ml, एक 300 ml ब्लड देने से आप 3 लोगों की जान बचा सकते हो। ब्लड प्लस सेलुलरी रक्त संबंधित आपूर्ति एवं रक्त संबंधित कार्य करते आ रही है और हर महीने रक्त जाँच शिविर एवं रक्तदान शिविर का भी आयोजन विभिन्न संस्थाओं के तत्वाधान में कराया जाता है। इसी कड़ी में आज देश के 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ब्लड प्लस सिलौड़ी की ओर से 21वें रक्तदान शिविर का आयोजन सिलौड़ी के प्रधाननगर इलाके में किया गया। इस बारे में संसद सचिव ने विस्तृत जानकारी दी। दर्द थोड़ा लगे ऐसे, कभी बचपन से लेकर अभी तक कभी ब्लड नहीं किया था, मैंने कभी ब्लड जांच किया था। हम ब्लड डोनेट किए, हमारे एक ब्लड देने से बहुत लोग के फायदा हो सकता है। वी आर हियर द मेंबर ऑफ ब्लड प्लस एंड कैसे आप लोग जानते हैं ये हमारा 21वां रक्तदान है एंड क्योंकि मैं एकदम प्राउड टू बी अ ब्लड डोनर के सामने खड़ा हूँ। देखिए ये एक बहुत प्राउडिंग मोमेंट है। मैं आपको ब्लड प्लस के बारे में सबसे यहाँ की हमारी खूबी ये बताना चाहूँगा कि यहाँ हम ब्लड कैंप तो हर महीना करते हैं, आपके ब्लड कैंप हर आप आज भी 26 तारीख हर जगह कई ब्लड कैंप हो रहे हैं, हर जगह आप ब्लड दे रहे हो, आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, कार्ड मिल रहा है। आपको ब्लड प्लस के कैंप में ये सुविधा मिल रही है कि हम आपको जो कार्ड दे रहे हैं उसमें हमारे कुछ कंसर्न नंबर्स होते हैं, आप उसमें कभी भी आपको कभी भी जरूरत हो, आपको चाहे 10 यूनिट ही क्यों ना जरूरत हो, डेंगू के टाइम में प्लेटलेट्स 10, 15, 20 लगती है, आप हमें कॉल करिए। अगर ब्लड बैंक्स में अवेलेबल नहीं भी होगा तो भी हम आपको अरेंज करके देंगे। दिस इज द बेस्ट बेनिफिट ऑफ ब्लड प्लस। ब्लड प्लस से जुड़िए, ब्लड प्लस आपके हर हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हर महीने हम 2 कैंप करें और हम हर अलग अलग पार्ट को, हमारे कुछ दिन पहले ही सिलेशन कॉलेज में आया था, आपके थ्रू भी हमने मैसेज दिया था हमारे सिलीगुड़ी वासियों को, वहाँ हमने 4 घंटे में 111 यूनिट रक्त संग्रहित किया। That was the record of our last 3 years. So blood plus सिलीगुड़ी का यही है, आप लोग आइए यहाँ कैंप। मैं ये नहीं बोलूँगा कि खाली ब्लड प्लस में आके डोनेट करिए, नहीं, बिल्कुल कभी भी करिए। सबसे बड़ा आपका नेगेटिव, जो आपका ए नेगेटिव ग्रुप होता है, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ये आपको इतनी मुश्किल होती है। पेशेंट तो देखिए हर तरह के है, कब पेशेंट के साथ क्या घटित सकता है कुछ नहीं पता। आप सभी दर्शकों को 71वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आगे की जानकारियों के लिए आप बने रहिए SK Live के साथ। धन्यवाद।